गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई कल चलते चलते हम गुलाबगढ़ पहुंच चुके थे और भाई पीछे अठोली निकल गया। अठोली और गुलाबगढ़ के बीच में ना ये ऐसी कोई जगह थी भाई, इधर चनाबरी वाला वो सामने सारा गुलाबगढ़ है और पीछे अठोली पाडर वाला एरिया रह गया। तो यहाँ आकर कैंपिंग कर ली थी भाई, इधर दोनों तीनों भाई टेंट लगे, अंकुश भाई ने टेंट फोल्ड कर लिए। और बात पता क्या हुई, सुबह अंकुश भाई तो नदी में नहाए, मैं और अर्श भाई चले गए पीछे नहाने अठोली में। अठोली जो पीछे जगह, वहाँ जगह ढूंढते रहे बट भाई वहाँ पर कोई भी जगह नहीं मिली। फिर लास्ट में ना एक जगह कोई कपड़े धो रही थी लेडी, वहाँ पर एक छोटा सा नल चल रहा था भाई, वहाँ जाके पहले वेट किया, उन्होंने कपड़े धोए, फिर हम नहाए भाई। तो इसलिए ना काफी टाइम लग गया, लगभग 1.5 घंटा लगे यहाँ से जाने के बाद नहा के आने तक भाई। धूप काफी ज्यादा निकल गई और भाई कुछ सुबह का कुछ ऐसा, सुबह नहीं मतलब टाइम तो 10-11 के करीब का हो चुका है। वो सामने वाले पहाड़ों पर बर्फबारी हो रखी है और वो उधर देखो वो सारे पहाड़, वो भी बर्फ वाले। अंकुश भाई वो जो पहाड़ है वो जंस्कार वाला एरिया ना, उसके दूसरी साइड पदुम पदुम नहीं है, बीच में आता है डुंग डांग कुछ ऐसा है। हाँ। मतलब एक रेंज है मोटी वाली, इस पहाड़ नहीं बोल सकते, इसके पीछे भी क्या पता इससे बड़ा पहाड़ हो। हाँ हाँ। एक मोटी रेंज है, इसके पास जंस्कार, मतलब उधर पार बोल सकते हैं जंस्कार, लद्दाख रीजन। क्या आता है आधा जंस्कार में और आधा इधर हो जम्मू कश्मीर में? हाँ, ऐसे दो पहाड़ बोल सकते हैं, सामने वाला दिख रहा है, इसके पीछे भी एक। ओके ओके, तो ठीक है। फिलहाल सुबह चाय बना के पी ली थी, बर्तन सारे बिखरे पड़े, रात की खाना बनाया था, अभी जल्दी सारी पैकिंग करके बर्तन धो के आज हम जा रहे हैं मचैल यात्रा। यहाँ से कितने किलोमीटर है कुछ भाई? यहाँ से टोटल है 30-35 किलोमीटर। पहले सभी को गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई जी। कितना है यहाँ से टोटल होगा 32-35 किलोमीटर और हमारी गाड़ी किलोमीटर तक गाड़ी जाएगी। हमारी गाड़ी जाएगी कम से कम 15 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर रास्ता तय करेगी गाड़ी। हाँ हाँ। 15 और लास्ट में बचेगा कोई 15 से लेके 20 किलोमीटर के बीच में, वो ट्रैक करना हमने। वो ट्रैक होगा पाइन के ट्री के बीच में। मतलब चढ़ाई है नॉर्मल है, कैसा है? मतलब ऐसा है थोड़ा थोड़ा, मतलब आराम से हो जाएगा। आराम से है। ओके ओके। बीच में आएगी एक थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है हमें कम से कम 100 मीटर। हाँ हाँ। उसके बाद फिर से पैदल। मतलब केदारनाथ जैसी टफ तो नहीं वैसे? नहीं ऐसी नहीं, बिल्कुल प्लेन है। चलो भाई 3 बजे का सामान रेडी हो चुका है, बाइक पर बांध दिया, अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। अभी चलते हैं थोड़ी दूर आगे कोई होटल ढूंढ के ना, सबसे पहले खाना खाएंगे। खाने में आज खाएंगे रोटी भाई, 3-4 दिन से चावल। हाँ पता नहीं हम चावल खाए जा रहे हैं। भाई ये जो गुलाबगढ़ है ना, वो सामने बुद्धिज्म लोगों का गोम्पा भी बना हुआ है, पीछे गुरुद्वारा भी है। तो भाई अब अच्छे तरीके से जगह दिखाई देगी जहाँ पर हमने कैंपिंग कर रखी थी, वो टापू सा है। तो फाइनली मेन गुलाबगढ़ ये वाला है, गाड़ियाँ खड़ी है सारी ना, ये मिंदल की यात्रा में जाने वाली हैं। और यहाँ पर लंगर लगा है, किसका लगा है? चाय पानी, शायद शबील का पानी है, मीठा पानी। चल भाई फिर खाना नहीं खाया जाएगा, लो भाई चल पी लेते हैं, फिर जल पी लेते हैं भाई। हाँ हाँ शबील। ओके भाई जी धन्यवाद। चलो भाई एक एक गिलास ना यहाँ पर रूह अफजा वाला पानी पी लिया, ठीक है भैया जी? ओके, रूह अफजा वाला पानी पी लिया एक एक गिलास, थोड़ा ठंडक सी मिली है, मतलब पानी ठीक था, ज़्यादा ठंडा नहीं कर रखा था भाई, नॉर्मल था, बढ़िया पीने वाला भाई। ठीक है कोई ढाबा शाबा और ठाकुर वैष्णो होटल वो सामने, इधर एक लंगर लगा हुआ है, वहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं फिर चलते हैं भाई। तो भाई लाइन देखो बहुत लंबी लगी हुई है, ये देखो वहाँ से स्टार्ट हो रखे जहाँ वो पीछे खड़े हैं, वो उधर स्टार्ट है लाइन, इधर पीछे चावल मिलन डे रहे, चावल जलेबी, वो पीछे देख रहे लाइन कहाँ से स्टार्ट है। तो अभी ना यहाँ पे पुलिस वाले भैया थे, उनसे हमने कंफर्म किया, अभी पर नेटवर्क मैंने बात करी थी पुलिस वाले भैया से। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या कितने दूर तक रास्ता है यहाँ से मचैल यात्रा का, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ से ना मतलब थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, बाइक जाएगी 10-15 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर बाइक जाएगी। मैंने पूछा ऊपर मचैल जो मंदिर है उसके बिल्कुल पास नेटवर्क मिलेगा चंडी माता के मंदिर के पास? 10 साल पहले मिल जाएगा, 10 साल पहले था, 10 साल पहले जियो भी तो नहीं था। हाँ, तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन नेटवर्क की थी भाई, ऊपर जाके वीडियो अपलोड होएगी नहीं होएगी, इस चक्कर में ना हम अभी वीडियो एडिट करने की सोच रहे थे, अब जब नेटवर्क का पता लगे अब आराम से जाएंगे मजे से ऊपर वीडियो एडिट करके कल सुबह डाल देंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी लाइन बहुत बड़ी लगी है, धीरे धीरे आगे लाइन बढ़ती जा रही भाई। इधर तरबूज का लंगर भी लगा है और इधर अपना खाना दाल चावल जो कुछ है भाई, अर्श भाई तो ले आया तरबूज बाग के जाके।
प्रसाद ग्रहण कर लिया। और भाई इधर ये गाड़ी देखो कितनी सजा के आई है ना, ये हार हूर लगे हुए हैं इसमें ना, कोई शायद मेन मंदिर के पुजारी जी आए हैं, उनके साथ काफ़ी फोर्स भी है भाई। चलो चलते हैं भाई, पेट पूजा आ चुकी है, देख रहे ना भाई लाइनों में कितनी गाड़ियाँ लगी हैं। ये सारी मिंदल यात्रा पर जा रहे हैं, मचैल यात्रा भी शुरू नहीं हुई, बस हम तीन लोग ही जाएंगे, शायद ही कोई हमारी तरह का जाता हो श्रद्धालु मिले भाई। अब ना यहाँ से देखो ये सारा गुलाबगढ़, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं भाई। भाई यहाँ से ना दो रास्ते हैं, एक तो सीधा मेन रास्ता चला गया ऊपर की तरफ, किधर जाता है मिंदल माता के भक्तों का, इधर मिंदल माता और मचैल माता के भक्तों का स्वागत है। अंकुश सीधा जाना शायद हमें, ये किधर जाता है, लाहौल स्पीति हिमाचल वाली साइड, जिधर हमने जाना है तांडी। हाँ। तो अभी हमें इधर जाना है मचैल के लिए। ओके ओके हेलो, हाँ हाँ उसको लगा हम गलत जा रहे हैं, है ना, इस रूट से ना बड़े कम लोग जा रहे होंगे सारे, शायद शायद हम तीन ही हों। तो अभी ना भाई अर्ष भाई के लिए रुक गया था, पीछे मुड़ के देखा अर्ष भाई आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा रुक भी जाते हैं, आपको व्यू भी दिखा देते, सामने का व्यू चेक करो, उसके आगे जनसकार वाला एरिया और ये वाला व्यू चेक करो भाई, देखो कितना मस्त है, वो सामने सारी बर्फ पड़ी है। अर्श भाई भी आ गए भाई, वो आ गया अर्श भाई। भाई रास्ता ना बिल्कुल छोटा सा, इन्ना सा बस, मतलब एक गाड़ी पूरी पूरी निकल सकती है। अंकुश भाई बोल रहा है रास्ते में ना चक्कियाँ मिलेंगी, उन्हीं चक्कियों का आटा खाने को मिलेगा, जो पंचक्की होती है ना वो वाली। तो भाई सामने देखो सारे पहाड़ हरे के हैं, ये पहाड़ देख कितना बड़ा भाई, कितना हरा जाता है, ये भी देखना हरा कचूर पड़ा है, पूरी हरियाली है। इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, सन्यास। और वो कहाँ पर है गांव जहाँ पर हमने मतलब मचैल की यात्रा शुरू होती है, जहाँ पर मचैल की, अभी तो यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाना है, 30 किलोमीटर बाइक जाएगी, बाइक हो 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 जाएगी, कुंडेर तक जाए, आगे मऊ तक जाएगी, मऊ तक, मऊ के बाद कितना पैदल, मऊ के बाद आपको कुछ 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पैदल ट्रैक है, ऊपर नेटवर्क है ना। हाँ ओके ओके चलो ठीक है, धन्यवाद। अभी कोई यात्री नहीं जा रहा इधर, जाते हैं कोई कोई जाता है, हाँ अभी यात्रा शुरू भी नहीं, अगस्त में होती है ना, हाँ जुलाई से शुरू हो जाती है। ओके ओके ठीक है सर, धन्यवाद। तो भाई मैं हरियाणा से, भैया आगरा है, वो भैया जम्मू से है। तो भाई देखो ये वाली पहाड़ी बोल रहा है कितनी हरी भरी है, मेन हरी भरी पता क्यों लग रही है भाई, हर जगह ना खेती हो रखी है, इधर धान की है साथ में जौ की है, उधर भी सारी जौ की और गेहूं की दोनों ही फसलें एक साथ लगी हुई हैं भाई, इधर ये देखने को अच्छा मिल रहा है भाई, ये देखना। और वो काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, ऊपर टावर भी लगा है, ऊपर गांव भी बसा होगा पक्का लग रहा है, बुग्याल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और पीछे वही स्नो वाले माउंटेन्स। हेलो भाई, गोप्रो फिर से ना बंद हो गया था, मतलब हैंग हो गया था, इसको फिर से चालू किया है, कोई ना ऐसे काम चलता रहता अपना। और अंकुश भाई बोल रहे पहले 28 किलोमीटर की यात्रा होती थी पैदल, अब 17 किलोमीटर का रास्ता बन रहा है, अंकल जी जैसे बता रहे हैं भी 17 किलोमीटर बाइक जाएगी, 11 किलोमीटर का सफ़र है पैदल जो हमने ट्रैक कवर करना है। क्या हुआ हैं, मेरा वादा क्या, वीडियो बना देगा, कौन कौन सी बनानी है, वो पहाड़ से पहले शुरू हो जाना है, पहाड़ जब ऐसे क्रॉस होगा बड़ी अच्छी में आएगा, बर्फ हो गया आगे, वन पे बनानी है थोड़ी पीछे से, मेरे को 20 फीट आगे चलना है। अच्छा यहाँ पर ना ये सामने जो आपको दिख रहा है ये ट्रॉली लगी हुई है यहाँ से वहाँ तक, वो छोटी सी ऊपर जा रही है, अगर आपको दिख रही होगी पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर तक पहुँची हुई है सामान यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए। भाई यहाँ पीछे से दो रास्ते हो गए, एक तो ऊपर चला गया, किधर जाता है शायद सामने वाले गांव में जाता है, हमारा रास्ता नीचे वाला जो मचैल जाता है भाई। और सामने देखो भाई कितने ब्यूटीफुल घर लग रहे ना, गेहूँ वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाई। ये फिर एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई, रास्ता चाहे छोटा है पर बिल्कुल साफ है, प्लेन है भाई, देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, यह पानी बहुत ज़्यादा है ना इसलिए हरा कचूर मतलब हरा भरा एरिया पड़ा है बिल्कुल। लो भाई ये कौन सा ब्रिज आ गया भाई, ज़्यादा जौ की खेती है, जवी जवी होती है ना जो, वो वाली है। तो अभी ना इन जिग जग रस्तों पर चढ़ना, वो अंकुश भाई सामने जा रहे हैं भाई, अभी फिर से ना गोप्रो हैंग हो गया था, दोबारा खोल के ऑन किया भाई, वो इधर ना ये कच्चे पहाड़ जाना ना मिट्टी वाले तो लैंडस्लाइड होती रहती है, ये देखना साइड में पड़ी है मिट्टी नीचे, इसी वजह से यहाँ पर फसल ज़्यादा है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है। और इधर अजी पानी की व्यवस्थाएं, ठंडा पानी भी जड़ी बूटी
किसी घी से कम नहीं है ना। हाँ जड़ी बूटियों से कम नहीं है, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर बोल सकते हैं, हाँ जड़ी बूटियों वाला। चलो भाई पहले वाले पानी गिरा देते हैं, अभी अच्छा पानी भरते हैं। ये भी अच्छा ही था, मतलब पुराना हो गया ना। चलो भाई वाह, ये है जी ओरिजिनल पानी भाई। आज कौन सा खाना बन पाएगा, ऊपर सामान लेके थोड़ी जाना है। जहाँ पे बाइक बाइक ही आधे रास्ते तक जा रही है भाई। हाँ तभी तो। चलो भाई देख लो भाई वीडियो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार निकल गया था, कैमरा ऑन ही नहीं किया भाई, और दोबारा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है भाई। चलो भाई अब अंकुश भाई अर्श भाई आ रहे हैं, देखते कैसे निकले, किधर से निकलते हैं। अर्श भाई ने जूते ही उतार दिए भाई, कितना पानी आ रहा है देखना। अंकुश भाई आवाज लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जाने पैदल जाने का रास्ता अच्छा भाई। सत श्री अकाल, चल जान दे भाई दब के किल्ली, हाँ खिंच के चल भाई, चल 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 चल। लो भाई अभी अंकुश भाई की बाइक ही ना मैं लेके जा रहा हूँ भाई। मेरी वाली बाइक के पैर नीचे पहुंचे नहीं है, मतलब काफी ज्यादा ऊंची है ना। ओ भाई यहाँ फ्लो है ज्यादा। जीतू भाई ये वाली बाइक तो नीचे पहुंची नहीं, ये आराम से निकल के ताकि तुम्हें गड्ढे हो, तेरे को ये नहीं पता। मतलब ऊंची है ना ग्राउंड क्लियरेंस, आगे वाली थोड़ी वो हो जाएगी, इसके जो आगे वाले शॉक कर है ना जबरदस्त है, मतलब कुछ भी आगे आ जाए अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। चलो भाई इधर रास्ते सारे ही खराब हो रखे आगे। वैसे ना जहाँ हम रुके थे ना वहाँ से चारों तरफ बर्फ के पहाड़ दिख रहे थे, आप सोच रहे बहुत ज़्यादा ठंड है, पर ठंड ठुंड कुछ नहीं थी भाई। स्लीपिंग बैग भी ना लेट रात को ही लेना पड़ा भाई। ओ अर्श भाई का चलते चलते बैग गिर गया भाई। ओ भाई हाँ नहीं नहीं रिकॉर्ड तो अभी किया, जब बैग गिरा दे दो बैग दे। ये हमेशा ढीला मारता है। ओ भाई ये तो बिल्कुल ही ऑफ रोड हो गया भाई, रास्ता भी छोटा सा हो गया, टूटा फूटा इधर खाई। बल्ले 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 बल्ले, पानी की वजह से ना ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, कुछ गाड़ियाँ निकल निकल के कीचड़ कर देती हैं, फिर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चलो 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 बाइक फिसल रही है पूरी भाई। ये वाले पौधे ना जंगल में पहली बार देखे हैं मैंने, फूल से लगे हैं, अलग तरह के पौधे हैं। कौन से हैं जो मिंदल यात्रा है ना, जहाँ पर अभी गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं, टेम्पो ट्रैवल छोटी बड़ी सभी गाड़ियाँ जा रही जिस यात्रा पर, वो हमारे रास्ते में ही आएंगे। शायद वो हिमाचल में पड़ता है मेरे हिसाब से, रास्ते में आएगा तो कोशिश करेंगे, मतलब रास्ते में बिल्कुल रास्ते में तो नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा हटके आएगा, तो कोशिश करेंगे वहाँ पर जाने की भी। ये तो सारे कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है, अभी तक इस रास्ते पर ना हमारे सिवा कोई नहीं जा रहा, श्रद्धालु तो बिल्कुल भी नहीं, बस वैसे भी लोकल भी एक ही गाड़ी निकली है ना। कुछ भाई पहाड़ का कलर देखो, इसमें येलो येलो सा ना पाउडर सा निकला हुआ भाई। अपना घना जंगल आ चुका भाई, ऐसे ही जंगल से हम ना पैदल यात्रा करनी है ऊपर जाने के लिए मचैल के लिए भाई। लो भाई ये देखना ऊपर से, ये चादर होती ना लोहे की, उससे पानी लेके जाया गया, और इधर अपने भाई लोग खड़े हैं भाई। लो भाई बर्फियाँ शर्फियाँ सब कुछ है इधर तो भाई, है बैठ गया। वाह चाय तो भाई यहाँ पर खाना पीना मिल जाता है, दाल चावल छोले सब कुछ है भाई, बस रोटी भी तंदूरी है भाई, तंदूरी तवे वाली सारी है भाई। अभी ना इसका पता लगा भी ऐसा क्यों लगा रखा है, ये पानी कहाँ लेके जाने के लिए भाई, ये पानी आगे खेतों में जाता साथ साथ में, रास्ते के साथ साथ जा रहा था ना, वो भाई लोग बता रहे हैं भी पानी खेती के लिए यूज कर रहे हैं भाई। थैंक यू। लो भाई प्याज ज़्यादा लगे ना, चाय भी नहीं चाहिए ना। हाँ ये भी है, धन्यवाद। इधर नमकीन ले लिए साथ में, और इधर की लोकल बर्फी है वो ले लिए साथ में, और मीठी कैसे नमकीन है, मीठी है नमकीन
चोर पड़ गए सारी ले ले बस एक दिन नहीं। अभी अपना सफर कितना यहाँ से नीचे तक का? 10 किलोमीटर। तो भाई अभी भी 10 किलोमीटर जाना है। इधर भी एक होटल बना हुआ भाई, ये देखो फिलहाल अभी बंद है क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट नहीं है ना। जब यात्रा स्टार्ट होती है ना तब ये होटल भी खुल जाएंगे और बीच रास्ते में ना लंगर चलने लग जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। देखना रास्ते के बीचों बीच ही पानी चल रहा है, लैंडस्लाइड भी हो रखी है हल्की फुल्की सी। कुछ भाई थोड़ा पत्थरों से बचा के, जो नुकीले वाले पत्थर है ना उनसे बचा के रखना, टायर तेरा थोड़ा डाउन है पीछे वाला। पूरा पैसा वसूल हो रहा है भाई इन रस्तों का भाई, चाहे कितना भी ऑफ रोड है पर अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही रस्तों पर अच्छे व्यू मिलते हैं भाई। चलो ओ भाई ठंडी ठंडी फुहार आ रही है इधर, ठंडी ठंडी फुहार आ रही है ना, बाइक साइड में लगाते हैं थोड़ी बहुत ही फोटो खिंचवाते हैं भाई। इधर भाई रील्स बनाई जा रही है उधर अर्श भाई, इससे पहले मैंने बनवाई है। अंकुश भाई साइड में जा, JBC आ गई है, JCB। तो भाई काफ़ी रील्स बनाई वहाँ पर, काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आ गया। इंस्टाग्राम पर चेक कर लेना, वहाँ पर रील डालेंगे भाई। आगे चढ़ाई भी आ गई है, रास्ता भी पूरा गारे वाला कीचड़ वाला आ चुका भाई। यहाँ से थोड़ा आराम से देख के निकालनी पड़ेगी बाइक भाई। ओ भाई 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 किश्तवाड़ फॉरेस्ट डिवीजन भाई। मैं सोच रहा था पीछे दिख रहा था सामने वाला रास्ता, मैंने सोचा इतना खतरनाक सीधा रास्ता भाई बाइक कैसे चढ़ेगी भाई। वो तो शुक्र है टर्न हो गया भाई। ओ भाई ये पत्थर बड़े पड़े, ओहो भाई पीछे ना बड़ी खतरनाक चढ़ाई थी, बाइक पहले गियर में ही आई भाई। मेरे को लग रहा है शायद पहुंच तो नहीं गए जहां पर आज का स्टे करना, मतलब बेस कैंप जो है। नहीं भाई इससे आगे जाना कहीं, हम कुछ और आगे हैं। वो भाई ये रास्ता तो बिल्कुल ही ख़त्म ही है, बस रास्ता है ही नहीं है, मतलब बिल्कुल कच्चा। चलो भाई ये क्या बात हुई भाई, अच्छा नीचे से जाना है, ऊपर से रास्ता नहीं है नहीं। चलो फिर क्या कहते हो, जाए जाए? हाँ हाँ जाना नहीं है भाई, यहाँ से बाइक नहीं निकलेगी। ऊपर आवा, बहुत ज्यादा गहरा है ज्यादा गहरा भाई, बाइक नहीं निकलेगी भाई, बाइक नहीं निकलेगी, ज्यादा गहरा है। हाँ वही तो बोल रहा, रास्ता इधर से है। वाह भाई गहरा बहुत है। ए वन टू। चलो आपको थोड़ा चक्की दिखा देते हैं भाई। लो भाई नीचे कुछ ऐसा सिस्टम होता है, इस पे पानी लगता है, ये गोल गोल घूमता है भाई। ये देखो ये नीचे वाला पंखा है जिसके ऊपर पानी गिरता है, यही ऊपर चक्की को घुमाता है भाई। ये पुरानी टेक्निक है भाई, आज भी कामयाब है और इसका आटा एक नंबर मस्त होता है, बढ़िया वाला। ये फिलहाल दिखा देते आपको, इसका दरवाज़ा लगा हुआ है पर दिखा देते भाई। ये देखो ये है जी चक्की, अब देखो आराम से अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि गंदे पाँव है ना, तो गंदे पाँव से ये आटा बनाते हैं ना, तो गंदे पाँव होने से ख़राब हो जाए। ऊपर से यहाँ से डालते हैं और नीचे से निकलता है, नीचे पानी इसको घुमाता है, पत्थर है ना इसको घुमाता है भाई, तो इससे अपना आटा पीसा जाता है भाई। इधर से ट्राई करते हैं भाई निकल जाए तो। अंकुश भाई ये प्लेट खिसकी तो नहीं? चलो भाई अपनी तो निकल गई भाई,
अभी आगे देखते हैं क्या होता है। लो भाई अंकुश धक्का लगाना पड़ेगा, यहाँ धक्का लगाना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जा। फेंक लैन दे, चलो भाई चढ़ाई जाती ना। लो भाई अपनी बाइक आ गई है। चलो भाई अब अर्श भाई की बाइक भी चला के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस इसका भाई। धक्का लगा चल बस निकल गया। लो भाई अब अंकुश भाई की बाइक की बारी है भाई। चलो भाई सभी की बाइकें क्रॉस कर गई हैं, अभी चलते हैं भाई आगे जो ढाबा है ना, देखते हैं क्या बनता है भाई। परमिशन भी मिलते नहीं मिलती, अभी बाइक तो ले आए हैं और वहाँ परमिशन ना मिले, वो भाई गधे घोड़े हैं भाई, इनका कुछ पता नहीं, पीछे से टांगे मार दे भाई। खाना बनाओगे आप? खाना बनाते हो? खाना ठीक है, चलो यहीं को कैंपिंग की जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई इधर तीनों भाई ने बाइकें लगा दी हैं और इधर का कुछ व्यू चेक करो भाई, कितनी मस्त मस्त लोकेशन पर हमें रुकने की जगह मिल रही है भाई। वहाँ से आए हूँ उस जगह से भाई, ये ऊपर गांव है, गांव का नाम क्या है पता नहीं भाई। अरे गांव का नाम क्या है इसका? माऊ। ओके ओके चलो भाई आज का अपना स्टे यहीं होगा। फुलके रोटी? ओ वाह, मैंने सोचा फुलके, हमारा मतलब दिमाग उधर 5K 100K उधर ही जा रहा है ना, तो फुलके मैं सोचा फुलके कौन से होता है, 100K होते हैं, 50,000K होते हैं, मेरा दिमाग उधर घूम गया, मैं कहा फुलके कौन से आ गए। बस इंसान पहुंच चुके हैं, गड्ढे कर दिए, बस इंसान खत्म कर देंगे धीरे धीरे इनको। अंकल जी लेके भी आ गए बच्चे अपने को। सही बात है। जय माता दी। जय माता। सुबह गए थे? सुबह कल उधर ही रुके, ऊपर ही स्टे की व्यवस्था अच्छी है, रुकने की व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, हो जाता है, मतलब लोगों के घरों में ही रुकना पड़ेगा। चलो बाय 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 बाय। आंटी खाने में क्या क्या बनाओगे और सब्जी क्या है? साग और राजमा भी है, पर साग है। अंकुश भाई साग है, राजमा क्या खाना है? साग है, राजमा क्या खाना है? साग खा लेना, राजमा रोज खाया है। साग के साथ चावल नहीं खा पाएंगे ना? तो चावल भी खाने हैं साथ में, चावल रोटी। अच्छा 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 चलो ठीक है जी बना दो। शाम के 7:30 के करीब का टाइम हो चुका है, तीनों भाइयों के टेंट लग चुके हैं भाई, तो इतने से स्पेस में ना तीनों भाइयों के टेंट एडजस्ट कर दिए भाई, बढ़िया ना। तो फिलहाल इस टाइम कुछ ऐसा माहौल है। ओ
वो मस्ता दिखा रहा भाई घुमा घुमा के भाई। तो भाई वो उधर देख कितना लाली में दिख रही ना वो पहाड़ के पीछे, अभी सनसेट हुआ नहीं है प्लेन एरिया में है ना। ये वाला मस्त लग रहा है, इस पहाड़ पे ना अभी भी धूप है भाई, ये पता नहीं क्या चक्कर है इसी अकेले पे क्यों पड़ रही है धूप भाई है ना, कितना मस्त लग रहा है ना। चलो फिलहाल खाना रेडी हो चुका है, खाना खाते हैं। तो भाई इधर अपना ना रात का खाना आ चुका है, खाने में एक तो दाल है साथ राजमा, दाल नहीं राजमा है, साथ में इधर का लोकल साग है कोई, ये भाई देखो साथ में चपाती है।